Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Expert Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are doing great, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके जिंदगी में आपके पर्सन जिनके लिए आज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, डेफिनेटली वो क्या चाहते हैं, उनके नज़रिए से देखा जाए तो आप कैसे इंसान हैं, एंड डेफिनेटली ऑब्वियसली वो दूसरों को आपके बारे में पर्टिकुलरली क्या कहते हैं. सो लेट्स सी, आप अपने पर्सन के ऊपर 100% फोकस रखें. अगर आपके एक्स के बारे में आपको जानना है तभी भी आप देख सकते हैं, प्रेजेंट पार्टनर के बारे में किसी को जानना है तभी भी आप देख सकते हो, बट इन दैट केस किसी पर्टिकुलर एक ही इंसान के ऊपर फोकस करिए. हो सकता है कि आपके एक्स थे बट अभी आपका प्रेजेंट सिचुएशन में कोई और है, तो जिनके बारे में आप देख रहे हो सिर्फ उसी के बारे में ही आपको सोचना है. यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज गाइड करें. मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या महसूस करते हैं, उनके नज़रिए से देखा जाए तो मेरे व्यूअर्स कैसे इंसान हैं और दूसरों को मेरे व्यूअर्स के बारे में वो लोग क्या कहते हैं, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. वी डू हैव द किंग ऑफ एथम्स, वी डू हैव द स्टैंडिंग स्टोन, यहाँ पे है द विच, यहाँ पे है टेन ऑफ एथम्स, नाइन ऑफ एथम्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, टू ऑफ वैंड्स. सो वी डू हैव एरीज, लियो एंड सजिटेरियस. मेष सिंह धनुराशि है यहाँ पे, कुंभ मिथुन तुला राशि है यहाँ पे, एक्वेरियस जेमिनी एंड लिब्रा. वी डू हैव जेमिनी, यस साइंस आर देयर, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि यहाँ पे है लिब्रा. वी डू हैव यस एरीज लियो सजिटेरियस मेष सिंह धनुराशि. अगर कोई साइन यहाँ पे नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जब वेरीफाई करेंगे तब हम आपको बता देंगे. टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न तो है ही यहाँ पे, ओके. 11 11 आप देख सकते हैं, 11 या 111 आप देख सकते हैं, 111 लाइक्स कमेंट्स, ठीक है, इस तरह से. या जब आप देख रहे होंगे उस दौरान हो सकता है कि 1:11 हो या 1:11 पर कुछ स्पेशल हो सकता है आपके साथ, ओके. 10 10 भी आप देख सकते हैं, 9 इज देयर, 2 इज देयर एंड 17 दैट इज 8 या 17 नंबर रिलेट कर सकता है किसी भी साथ, ठीक है. नाउ व्हाट डज योर पर्सन ओके थिंक अबाउट यू, क्या वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और उनके नज़रिए से देखा जाए तो आप कैसे इंसान हैं. तो मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, आपके पर्सन के नज़रिए से देखा जाए तो आप ऐसे इंसान हैं जिनकी अगर सब कुछ भी ख़त्म हो गया या वैनिश हो गया या आपके पास कुछ बचा ही नहीं, मतलब आप इतना हिम्मत वाले हैं कि आप सब कुछ समेट सकते हैं, शायद कुछ टेम्पररी पीरियड के लिए, हो सकता है कुछ समय के लिए, हो सकता है कि आपका दिल जो है विचलित हो जाता है, आप क्या करोगे शायद ये आपको पता ही नहीं रहता है, लेकिन यू कैन ऑलवेज एडजस्ट टू कम्प्लेक्स सिचुएशन. कुछ कम्प्लेक्स सिचुएशन में आप एडजस्ट कर लेते हो, बोलते हो ज़रूर कि मैं नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, लेकिन आप ज़रूर कर लेते हो. ये दूसरों से आपके बारे में ये कहते रहते हैं कि जब उनकी सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट या बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन था, हो सकता है कि उनके फैमिली में से कोई ऐसा हो कि हॉस्पिटल में थे और आप दौड़ के गए वहाँ पे, एंड डेफिनेटली आप उनके साथ रहे, आप हमेशा ही उनके साथ रहना चाहते हैं, आप उनके साथ हमेशा ही अपना जीवन को एक सुखी संपन्न जीवन बनाना चाहते हैं, लेकिन आफत कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है जो ना वो आपके पास आ पाते हैं ना आप उनके पास जा पाते हैं, या रिश्तों में काफ़ी दूरियां जो है वो बढ़ गया है, मे बी रिलेटेड टू मिसअंडरस्टैंडिंग और द थर्ड पार्टी, इसलिए उनको आपके साथ रिलेशनशिप को एंड करना पड़ा. तो हो सकता है आपको ऐसा लगता है कि इसने एंड मेरे साथ ऐसा किया ही क्यों, और अगर एंड इसको करना ही था इसने मेरे साथ स्टार्ट किया ही क्यों. देखो, रिलेशनशिप मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. जितना जल्दी किसी को कोई बोल सकता है कि आई लव यू, आई रियली लव यू, आई वॉन्ट टू मैरी यू,
उससे ज़्यादा है कि मेंटेन करना। हमेशा देखना मेंटेनेंस का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। एसी तो आप लेके आते हो घर में, एसी इंस्टॉल भी कर देंगे, सब कुछ हो जाएगा, बट इज़ इट पॉसिबल कि उस एसी का जो आप तो चलाएंगे वहाँ पे, फिर गर्मी में और भी ज़्यादा चलाएंगे, और भी आपका मन करेगा, सो उसका जो बिल आएगा, वेदर इफ़ योर सैलरी इज़ लाइक दैट यू विल बी एबल टू अफोर्ड, अगर आपकी सैलरी नहीं है तो आप ऐसे कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। सो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है आपके पर्सन ने, जैसा है ना कि आपके मूल्य को, आपकी वैल्यू को, आपकी डिग्निटी को जैसा उन्होंने इग्नोर किया, एंड देन आफ्टरवर्ड्स उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये मैंने क्या किया, मैंने तो नूर जो है वो खो दिया अपने लाइफ में। ये काफ़ी व्यस्त रहते थे अपने काम को लेकर, काफ़ी स्ट्रिक्ट भी है, पंक्चुअल भी है, डेडिकेटेड है, विजिलेंट है बहुत ज़्यादा, जैसे विजिलेंस डिपार्टमेंट होते हैं ना, हो सकता है कि आपके पर्सन वहाँ पे हो। काफ़ी मजबूत इंसान है, विजिलेंस ये करते हैं, लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, स्पाई करना, उनको ऑब्जर्व करना उनकी आदत बन चुका था। हो सकता है कि गलत फैमिली में भी थे ये आपके पर्सन, या आपके साथ किसी का रिश्ता है, ठीक है, एंड देन दे कुड नॉट टॉलरेट इट, तो उस तरह का कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ। इन्होंने आपके साथ कभी भी प्रॉपरली आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पाए, कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं कर पाए, सिर्फ और सिर्फ अपना ही अपना इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट, राइट, सेल्फ लव, सिर्फ यही करते आए हैं। किसी को तो प्यार करना दूर की बात है, प्यार अगर इनको कोई करना भी चाहे ना, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमेशा ये ना इमोशनल सिचुएशन को बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक मैनिपुलेटिव वे में लेके जाते हैं। कोई अच्छा बंदा या बंदी हो, इनके सामने बोल भी देगा ना जाके कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, प्यार करता हूँ, तो वो भी ना उल्टा जवाब दे देंगे। दे आर समटाइम्स वेरी हिपोक्रिट, लाइक कभी कभी ना मतलब आपको ऐसा लग सकता है कि बनावटी है इंसान, है क्या इंसान, ये इंसान क्या सही में मुझे प्यार करता है। यू ऑलवेज हैव दैट क्वेश्चन इन योर माइंड, और काफ़ी आप रोते भी हो इस बात को लेकर, और जब आप रोते हो ना इनके सामने तो उनको ऐसा लगता है कि मैं कहाँ हूँ और ये कहाँ है, ये बहुत कमज़ोर है। लेकिन उनको ना आपके अंदर जो एक स्टार, या आप बोल सकते हो आपके अंदर जो एक ग्लो है, वो दिखाई नहीं दिया था। अभी इनको ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने जीवन का ग्लो है ना जो खो दिया है, ठीक है। उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की, हो सकता है कि कुछ तय नहीं, कुछ ऐसे मकान हैं, कुछ ऐसा फार्म हाउस या समथिंग, हो सकता है आप उनके साथ कहीं पे भी समय बिताए हैं, मे बी यू हैड बीन इन लिविंग रिलेशनशिप और इन फिजिकल रिलेशनशिप, या हो सकता है कि आपको वो टच याद आता है, इनको भी होता है, सो दे आर स्टिल मिसिंग यू। ये लोगों से आपके बारे में यही कहते हैं कि जितने भी डिफ़िकल्ट मोमेंट्स होंगे इनके लाइफ में, आप ही होंगे जो उनको सहायता देंगे, या आप उनके लिए हमेशा ही रहेंगे, बट लोग जो है उनका जब सिचुएशन ख़राब हुआ था तो उनको छोड़ के लोग भाग गए, बट आप कभी भी नहीं करेंगे, आपके ऊपर यकीन है उनका। कुछ लोगों ने मुझे ये भी दिख रहा है आपके पर्सन को ऐसा लगता है दैट यू कैन मेंटेन एवरीथिंग, अगर फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी भी आ जाता है ना, तभी भी आप सही तरह से सेविंग्स भी कर लेते हो और उसको बचा भी देते हो, बचत भी हो जाता है आपका, आप सेविंग्स भी कर लेते हो और उतना ही अमाउंट में आप खर्चा करते हो। कुछ लोगों के लिए उल्टा है, आपके पर्सन को लगता है कि आप ज़्यादा पैसा खर्चा कर देते हैं और सेविंग्स नहीं करते, वो भी मुझे दिखता है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन लोगों को ऐसा कहते हैं कि देखो मैं इसका ना इंतज़ार करती रहती हूँ, करता रहता हूँ, लेकिन ये ना हमेशा घर पहुंचने में लेट कर देती है, लेट कर देता है, और मुझे बहुत ख़राब लगता है और मुझे अच्छा नहीं लगता। ये अपने हमेशा ही असाइनमेंट्स को लेके व्यस्त दिखते हैं, क्या रियली में वो मुझे अवॉइड कर रहे हैं या सही में वो बिजी है। सो आपके पर्सन जो ये प्रोकास्टिनेशन है, ये जो डिले है, इसको वो सहन नहीं कर पा रहे हैं। नाउ लेट मी वेरीफाई, यहाँ पर किंग ऑफ एथम्स क्यों है, सो वाई दिस किंग ऑफ एथम्स इज सर, यहाँ पे किंग ऑफ एथेम्स क्यों है, वी डू हैव एट ऑफ पेंटिकल्स, मैंने आपको यही कहा टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, आपके पर्सन को यहाँ पे स्ट्रेट अवे आंसर है। जब मैं कुछ रिकायंट फीलिंग्स करती हूँ तो मैं पॉइंट टू पॉइंट ही उसको जस्टिफाई भी तो करती हूँ। यहाँ पे आप देखो ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा व्यस्त दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे भी एट ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड हमेशा यही कहता है कि इंसान जो है सब कुछ छोड़ छाड़ कर, ठीक है, यहाँ पे ये इंसान फोकस कर रहे हैं।
देखो वो मुझे अभी गाना याद आ रहा है, मतलब ही हो जा जरा, मतलब ही लोगों की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कहीं। सो मुझे ये भी ऐसा फील हो रहा है इस कार्ड से कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि पहले आप बहुत ज़्यादा व्यस्त नहीं दिखते थे, आजकल आप बहुत ज़्यादा बिजी होना शुरू कर, शायद आपका फ़ोन भी बिजी रहते हैं, आप शायद कोई चैट का जवाब भी नहीं देते हो, और अगर आपको पूछा जाए तो आप उल्टा सीधा जवाब दे देते हो, गुस्सा कर देते हो, क्योंकि उनको लगता है कि आपकी फोकस लव के जगह पे अभी काम बन गया है, जो एक समय पे उनका था अभी रिवर्स कंडीशन हो रहा है। ठीक है, सो ये इंसान बहुत ज़्यादा विचलित होते हैं, एवं जब वो रात के समय पे होता है तो वो उनको और भी ज़्यादा चोट पहुँचता है, चुभता है वो सिचुएशन कि उन्होंने आपके साथ जो कर रहे हैं वो, उसका जो है ऑब्वियसली रिटर्न तो मिलेगा ही ना। ओके, यहाँ पे द स्टैंडिंग स्टोन क्यों है, यहाँ पे एक माया स्टोन क्यों दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे जो है ना स्टैंडिंग स्टोन, ये इंसान आपकी जिंदगी में, देखो टू ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे दो बार आया है, ये इंसान आपकी जिंदगी में आए तो थे लेकिन अपने परिवार के बहकावे में या किसी के बहकावे में ये आए, इंटरफेरेंस हुआ, और ये इंसान तभी जाके, हो सकता है इनके मॉम चाहते थे किसी और के साथ इनकी शादी हो जाए और उन्होंने ये किया, आपके साथ कोई जस्टिस नहीं किया, और ऑब्वियसली ये इंसान ऐसा सोच रहे हैं कि जिनके साथ मेरा अनंत असीम कनेक्शन हो सकता था उसके साथ ना होकर किसके साथ मेरा पाला पड़ गया है। आपके पर्सन शायद लोगों से ये भी कहते होंगे, अपने फ्रेंड से, कि देख क्या हालत हो गया है मेरा, पहले से मैं ना एकदम पूरी तरह से बिगड़ चुका हूँ या बिगड़ गई हूँ, कहीं ना कहीं पे मेरे पर्सन जो एक्चुअल थे मैंने उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया, मैंने उनको अप्रिशिएट नहीं किया, और आज का सिचुएशन ऐसा है कि मुझे जैसे लट्टू बनाते गए हैं, यहाँ से भी मुझे गोल गोल घुमा रहे हैं, वहाँ से भी वो गोल गोल घुमा रहे हैं। सो इंसान काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में है, जो उन्होंने आपके साथ किया था या इन्होंने आपके साथ मजबूरी में ही किया होगा, तो भी उन्होंने आपके साथ जो नहीं किया होगा ना उनको वो मिल रहा है। सो दर्द और कष्ट हो रहा है उनको, वैस ऑफ विच मतलब ही हो जा जरा, मतलब ही। ओके, सो द थ्री दिस फाइव ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वी डू हैव द विच। तो ये हमेशा ही ये इंसान जो है कोई तो था यहाँ पे, बिकॉज आई कैन फील द वाइब्रेशन, आप बोलो स्मेल, आप बोलो नेगेटिव वाइब्रेशंस ऑफ सम वुमेन हु हैड डन समथिंग वेरी फिशी, कुछ ऐसा किए हैं जो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा ही आप बोल सकते हैं अनयूजुअल है। हो सकता है कुछ समय तक आप दोनों के रिश्ते अच्छा ही चल रहा था, इट वॉज़ वेरी नॉर्मल जो होता है कपल्स में, धीरे 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 आप देख रहे हो कि आप के जीवन से ये जैसा बिछड़ते जा रहे हैं, जैसे आप उनको ना एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, और ये इंसान भी आपको अपने जिंदगी से दूर भगाने में लगे हुए थे क्योंकि उनको कुछ और चाहिए था। अभी ये उनकी कोशिश रहता है या किसी ने ऐसा किया है षड्यंत्र, दैट इज डिफरेंट इशू। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को रूल आउट नहीं किया जा सकता, ठीक है, यहाँ पे षड्यंत्र रचाया गया है, बट क्या इस षड्यंत्र में आपके पर्सन शामिल थे या नहीं थे, दैट इज अ डिफरेंट इशू। ठीक है, ओके, सो टेन ऑफ एथम्स यहाँ पे क्यों है, इतना मतलब ही भी कोई हो सकता है नहीं। टेन ऑफ एथम्स यहाँ पे क्यों है, बिकॉज थ्री ऑफ सोर्स, धोखा दिया तो आपको तो एग्जिट करना ही पड़ा। ये इंसान लोगों से भी ऐसा कहते हैं कि आपकी कोई गलती नहीं था, ठीक है, जो भी गलती था ये आपके पर्सन की खुद की गलती था, और ये वो चीज़ को स्वीकार करते हैं, ये चाहते हैं जो भी गैप है उसको फिलअप कर दे और आप दोनों फिर से करीब आ जाओ, क्योंकि इस सर्दी में ये जो यहाँ पे है उनको गर्मी चाहिए और वो गर्मी आप है। नाइन ऑफ एथम्स, वो
आज अगर मुझे चांस मिलता इस रीडिंग को आप सबके सामने, मतलब आप सब लोग जहाँ पे भी हैं, ठीक है, मैं अगर साथ लेके बैठती आप लोगों को, समझ में आ रहा है ना, कि आप मेरे सामने पूरी तरह से, आप इस चेयर में बैठे होते, वो उस चेयर में बैठे होते, अगर इस तरह का इंटरेक्शन होता, सो आई वुड हैव डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक स्वीट्स टू ऑल ऑफ यू, कि इस तरह से भी कुछ चीज़ें रेजोनेट हो रही हैं और वो सही है और वो सत्य है. ओके, नाइन ऑफ एथम्स, नाइन ऑफ स्वर्ड्स, नाइन ऑफ स्वर्ड्स को वेरीफाई कर रहा है यहाँ पे सिक्स ऑफ वैंड्स, यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, नाइन एंड सिक्स, उल्टा उल्टा. ये इंसान अपने एम्बिशंस को लेकर इतना पागलपंती कर बैठे, इन्होंने आपकी कदर करना तो दूर की बात है, इन्होंने नहीं किया. ये लोगों से यही कहते हैं 100% कि हाँ मैं पागल हो गया था, मैं अंधा हो गया था, मैं अंधी हो गई थी, मैं पागल हो चुकी थी, इसलिए मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य ही दिखाई दे रहा था और कुछ भी नहीं. मुझे ये रिलेशनशिप जस्ट टाइम पास के लिए चाहिए था और कुछ नहीं, और मुझे इनको डायरेक्ट भी नहीं कहना था, या आपको ये डायरेक्ट इसलिए नहीं कह पा रहे थे क्योंकि अगर वो आपको डायरेक्ट कर कह देते कि नहीं आप नहीं चाहिए ज़िंदगी में, तो शायद वो आपको ऑप्शंस में कैसे रखते. ठीक है, आपके साथ भी बेईमानी कर रहे हैं, दूसरों के साथ भी कर रहे थे, बिकॉज दिस पर्सन वॉज सो सेल्फ सेंटर्ड एट दैट टाइम. वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फॉर सम ऑफ यू इट इज़ वेरी ट्रू, ये आपके पर्सन सेल्फ सेंटर्ड है और ऐसे ही है, और वो अपने बिहेवियर को बहुत शो ऑफ भी करते हैं. ठीक है, टू ऑफ पेंटिकल्स, ये मुझे हमेशा ही एक नाराज़गी वाला एटीट्यूड मुझे दिखा देता है, क्योंकि जो मेरे व्यूअर्स हैं, अगर वो किसी को चाहते हैं, उनकी चाहत में वो आज इस रीडिंग को देख रहे हैं, और कितना आपके साथ ये गुजार रहा होगा, मतलब आपने क्या क्या सहन किया होगा, वो सोच के मुझे गुस्सा था कि इस इंसान ने ऐसा कैसे कर दिया. एनी वे, ह्यूमन माइंड इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, यू नो. टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ये देखो, दे ऑलवेज लुक फॉर ट्रेजर, गोल्डन कॉइन्स, अपॉर्चुनिटीज, प्रॉफिट, मुनाफा, लॉटरी, गैम्बलिंग, एवरीथिंग दे वांट. सब पैसा अपने अकाउंट्स में आ जाना चाहिए, बस मेहनत किया तो फल अभी 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 मिलना चाहिए. ये इंसान लोगों से ये कहते हैं कि सबर का फल मीठा होता है, और ये आपके लिए वेट कर रहे हैं, क्या आप उनके लाइफ में आएंगे. ठीक है, क्या आप उनको एग्री करेंगे इस रिलेशनशिप में, उनके साथ रहने के लिए. मे बी दे वॉन्ट अ किड फ्रॉम यू, तो आप उनको एक बच्चा देंगे या नहीं, उस तरह से भी सोच रहे. फिर मैरिड, हैप्पीली मैरिड कपल, तभी भी आपके पर्सन ऐसा सोच रहे. लोगों से भी ये कहते हैं कि एक बार बच्चा हो जाए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, और लेकिन वो आपको डायरेक्टली नहीं कह पा रहे हैं. देर इज समथिंग विच दे कैन नॉट स्पीक टू यू डायरेक्टली. हो सकता है उनको लगे कि आप थोड़ा नाराज़ हो जाएंगे. एंड वाई देर इज़ अ स्टार, स्टार यहाँ पे क्यों है, स्टार यहाँ पे यू है क्योंकि वो जानते हैं, वो मानते हैं, वो मान चुके हैं कि यू आर द ओनली वन, यू आर द डेस्टाइंड पार्टनर, डेस्टाइंड पार्टनर, यस, डेस्टाइंड पार्टनर, डेस्टाइंड पार्टनर. ओके, और मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है. सो ये इंसान डिटरमाइंड है आपको अपना बनाने के लिए. सो जिस तरह से बफेलोज विच आर वेरी मच एग्रेसिव, ये झटपट डिसीजन लेना चाहते हैं, बिना सोचे समझे डिसीजन लेने के लिए तैयार है. सोचो कितना हद तक ये इंसान, ठीक है, स्ट्रांग हो गए पहले से, जो उन्होंने कभी भी डिसीजन नहीं लिया था आपके बिहाफ में, तो वो लेंगे डिसीजन. ठीक है, तो वही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. नाउ लेट मी गिव यू सम गाइडेंस, आपको भी मुझे तो गाइडेंस देना है कि आपको क्या करना है. ओके, सो लेट मी सी. यूनिवर्स फिर गाइड्स, प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में, ऑब्वियसली उनके पर्सन जो है उनके लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सजेशन देना चाहते हैं यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सजेशन है फॉर दिस करेंट रिलेशनशिप, व्हाट इज़ द सजेशन ऑल अबाउट. यूनिवर्स, सेक्सुअलिटी, ब्यूटी, लव, द फेमिनिन पावर, द जजमेंट, आपके साथ जजमेंट होगा, द
तो आप सिर्फ और सिर्फ अगर टेंशन करें और अपने ऊपर ध्यान ना दें और हमेशा आप करके रहे, इट्स नॉट गुड थिंग. नो, आपके अंदर वो पावर है, सो शो योर पावर टू द वर्ल्ड. आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, लेकिन किसी के लिए, चाहे आपके पार्टनर एक्स हो या न्यू पर्सन हो या करंट पार्टनर हो, क्या आप उनके लिए कुर्बान कर देंगे अपने सारे जो गुण हैं, टैलेंट है, कुर्बान कर देंगे उन्हें? बाई चांस समथिंग एल्स हैपन्स इन योर लाइफ, अगर आपके सामने बहुत अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आया तो क्या आप उनको रिजेक्ट कर देंगे? अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट कर देंगे आप? तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं, आपने मेहनत किया है, फल आपको मिलेगा. आपने अगर किसी के साथ बेशुमार मोहब्बत किया है, फल आपको मिलेगा इन वन वे और द अदर. सो दिस इज द कार्ड ऑफ द जजमेंट. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके मन में चल रहा है कि रिकन्सिलिएशन होगा या नहीं होगा. यस, बट टू एक्सेप्ट दैट पर्सन इज ओनली अप टू योर डिसीजन. अगर ये टॉक्सिक थे, अगर ये कोबरा जैसा पॉइजनस जहरीला रिलेशनशिप था, कुछ लोगों के लिए मुझे आपको ये कहना है दैट आई नो दैट इट इज़ अ पर्सनल डिसीजन, बट स्टिल यू शुड थिंक अबाउट बिफोर प्रोग्रेसिंग. अगर वो रिलेशनशिप आपको सिर्फ रुलाता रहा तो क्या फायदा. यहाँ पे सिक्स ऑफ वैंड्स दो बार आया है, तो यहाँ पे मुझे ये कहना है कि आप अपने लक्ष्य को, ठीक है, हमेशा उस रास्ते पे चले जो शॉर्टकट ना हो, जो हमेशा लॉन्ग रूट हो, ताकि आप जहाँ पे भी पहुँचेंगे ना, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा. क्योंकि लॉन्ग रूट में आपको ये पता चलेगा कि कुछ वहाँ से ही शॉर्टकट होता है या नहीं. बट आप पहले से अगर शॉर्टकट रूट से चले तो आपको फिर अल्टरनेटिव एस्केप करने का रास्ता नहीं मिलेगा. समझ में आया? ओके. आज मैं कुछ अलग ही बोल रही हूँ, सो प्लीज़ लिसन. क्योंकि ये मैं नहीं बोल रही, दिस इज़ अ मीडियम, ठीक है. दिस इज द चैनलाइज्ड मैसेजेस एंड स्टेटमेंट्स. द थॉर कनेक्शन सोर्स क्लैरिटी ट्रूथ. अगर आपको अभी भी अब इस रिलेशनशिप में कुछ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ कन्फ्यूजन है, ठीक है, सो इसका सत्य जो है बहुत जल्द जो है उजागर होगा, आपके सामने होगा. बिकॉज यहाँ पे है यू विल फाइंड द लाइट, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग. आई होप यू लाइक इट. इफ यू लाइक, please do share, subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.